भुगतान का एक सरल और सहज तरीका है। आप ये बताइए, इस देश की महानता और इस सुप्रीम कोर्ट की महानता है कि 15 लाख रुपया एक जज साहब, रिटायर्ड जज साहब को दिया जा रहा है, जो सैलरी एक जज साहब अपने कार्यकाल में नहीं पाए वो सहारा के पैसे को लूट खाते में पा रहे हैं। एक वकील साहब 5 लाख रुपया महीना नहीं कमा पाते हैं और 5 लाख रुपया उनको सैलरी दी जा रही है, ये कहीं का न्याय उचित नहीं है। अगर न्याय है और भुगतान करने की मंशा सरकार और सुप्रीम कोर्ट की है और पब्लिक की चिंता है दोनों लोगों को, तो सबसे सरल सहज तरीका यह है कि सहारा इंडिया के पाले में गेट को रिटर्न डालें कि आप अपने कार्यालय के माध्यम से वित्त ब्याज सहित का पेपर सिलेंडर कराएंगे, लेकिन पैसा मेरे अकाउंट से जाएगा, जिसका प्रयोग कंपनी ने 2022 में कर चुकी है। बाउचर छपा है ब्रांच पे, वो पैसा हेडक्वार्टर से, रीजन से, जोन से उस कार्यकर्ता, उस व्यक्ति के खाते में तक पैसा गया है। हो सकता है बहुत सी चीजों को, आज बैंकों में नाम में और आधार के नाम में अंतर है, क्यों सरकार वहां पे करेक्शन करने की व्यवस्था तो सुनिश्चित करा दिया है। सहारा में तमाम गलतियां, अभी साहब कह रहे थे सतीश चौधरी रात कि बाबू ने ये किया वो किया वो किया, मैंने इसीलिए पहले शब्द में कहा कि छोटी बड़ी गलतियां हर व्यक्तियों के द्वारा हुई हैं, उसमें किसी के ऊपर प्रत्यक्ष आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। हाँ, गलती हुई है तो उसका समाधान कैसे हो, ये चीज सोच करके निकालने की आवश्यकता सुप्रीम कोर्ट को भी होनी चाहिए, सरकार को भी होनी चाहिए और कंपनी को भी होनी चाहिए। जितने भी परेशानियां, उसका एक ही हल निकलता है कि जो संस्था में जिम्मेदार व्यक्ति है अगर वो गलत है उसको आप पनिश करिए, वहां पे आप अपने आधार पे वहां आदमी बैठाइए और उसको सही तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से आप भुगतान कराइए। भारत के किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का भुगतान जिसने पैसा लिया है उसके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति भुगतान कर ही नहीं सकता है और करा ही नहीं सकता है, इस बात को मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। आपके मंच पे मैं दूसरी या तीसरी बार जुड़ा हूं, भुगतान का इससे सरल और सहज तरीका कोई नहीं है। और जिस दिन पेपर में गजट हो जाएगा कि इस क्राइटेरिया का भुगतान ब्रांच से होगा, ना जमाकर्ता ब्रांच पे आपाधापी भी मारेगा ना कोई मारेगा, सबके अंदर एक भरोसा विश्वास जगेगा। और 5000 करोड़ रुपया, भाई लोग कह रहे हैं सारा इंडिया भुगतान नहीं होता है, मैं कहता हूं होता था। 5000 करोड़ रुपया 18 महीने में सरकार नहीं भुगतान कर पाई और 5000 करोड़ रुपया कंपनी 15 दिन में भुगतान करती थी। यहां एफडी का री इन्वेस्टमेंट होता था, डेली का नहीं री इन्वेस्टमेंट होता था, डेली का तो 100% भुगतान जाता था ब्रांचों से। ऐसे हम कैसे कह दें कि सहारा 100% गलत है? और जो रह गया सवाल, जो ये बात में थी कि सहारा भुगतान नहीं दे रही थी, ये गलत है। नहीं नहीं ठीक बात है, नहीं नहीं आप सही बोल रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल बहुत तर्कपूर्ण बात आपने कही है, लेकिन सवाल ये है कि ये जो अच्छी बात आपने की, ये अच्छी बात सरकार करने नहीं जा रही है, ना ही कंपनी कर रही है, इसलिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट गए हैं आप लोग, मालूम है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का फिल्टर चलेगा तभी जाकर के बात बनेगी, ये अच्छी बात तो है नहीं। खैर, आपने जो राय दी है बहुत अच्छी राय है, मैं भी ये मानता हूं कि इस राय पर अमल होना चाहिए। ये जो सोनेलाल शाह दिख रहे हैं, सोनेलाल शाह, ये जो अभी महेश मौर्य जी ने कहा कि ये तरीका, इस तरीके से पैसा होना चाहिए, क्या आप इस बात से सहमत हैं? अच्छा, शशि मंडल जी कह रहे हैं लिंक दीजिए, लिंक तो है आपके पास, आप ज्वाइन हो जाइए, बोलिए सोनेलाल शाह जी, बोलिए। पैनल पर जुड़े हुए सभी महानुभावों को नमस्कार। मौका मिला है तो बोलने के सिलसिले में तो आगे पीछे की बातें हो ही जाती है, बहुत सारी बातें होने लगती है और समय भी जाया होने लगता है, लेकिन हर आदमी चाहता है कि हम शॉर्टकट में अपनी बात को रखें। ये जो महानुभाव बैठे हैं मंडल जी, बहुत तरह की बात बोल रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोग जो ये ज्ञान देते हैं, तर्क देते हैं, जानकारी देते हैं, ये उनको दीजिएगा जो इस चीज को नहीं जान रहा है। सारी प्रक्रिया हम लोगों के आंख के सामने में
कंपनी की जो भी गतिविधियां हैं 1995 से हम लोग सब देखते आ रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी का मारा हम सब बेचारा जाल में उलझ गया सारा का सारा। गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।